सो हे गाइस, मेरा नाम मनीष कुमार एंड बैक अगेन विद अनदर वीडियो इन यूट्यूब। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर चेस्ट। तो बेसिकली चेस्ट के तीन मेजर मसल्स हैं, उन्हें मैं टारगेट करने वाला हूँ इस सेट्स में। और मैं सेट्स में हर सेट में आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे परफॉर्म करना है हर सेट। और वो जो तीन मेजर पार्ट्स है चेस्ट के, वो है हमारे अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तो जैसा कि सबको पता है कि चेस्ट एक बिग मसल है, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच करें। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, तो वीडियो को एंड तक देखें और बताएं वीडियो कैसा लगा। और आप लोग कोई भी सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। वीडियो के बीच में मैं दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपको आप लोगों का चेस्ट ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो जो मैं आज वर्कआउट बताने वाला हूँ, ये बिगनर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ डिफ़िकल्ट सेट है, इजी वे में वो सब परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ ही उसके लिए। तो इस वर्कआउट में मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 6 एक्सरसाइज बताऊँगा जो आप लोगों के चेस्ट ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और एक अच्छा सा पंप देगा। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेट विथ बेंच प्रेस। तो बेसिकली यूनिवर्सल फर्स्ट सेट है, जब भी आप चेस्ट के वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो बेंच प्रेस ही करते हो आई होप, क्योंकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज, और कंपाउंड एक्सरसाइज हमेशा पहले करना चाहिए। बेसिकली इस सेट से हम लोग अपने मिडिल चेस्ट के मसल्स को टारगेट करते हैं, और जो बाबल्स की पोजीशन होगी वो चेस्ट के बीचों बीच होगी एकदम। और जब भी वेट पुश करो तो ब्रीथ आउट करना, और जब वेट धीरे धीरे नीचे लाओ तो ब्रीथ इन करना। और एक बात ये ज़रूर ध्यान रखें कि मसल को प्रॉपर स्क्वीज करना, जितना अच्छे से आप स्क्वीज करोगे उतना ज़्यादा पंप मिलेगा आपको। इस वर्कआउट के आप लोगों को 4 सेट परफॉर्म करने, और हर सेट 12 के रेपिटेशन होंगे। और वेट आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, स्टार्टिंग में लाइट वेट रखना और फिर धीरे धीरे वेट इंक्रीज़ करना। याद रखें कि हर सेट में आप लोग कुछ ना कुछ वेट इंक्रीज़ ज़रूर करें। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी हम लोगों की इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने ऐसे परफॉर्म किया होगा ये सेट, क्योंकि इंक्लाइन बेंच तो था नहीं मेरे पास। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला कि वो ऐसे टेबल, किसी भी टेबल पर ऐसे बैठ जाए और आगे की तरफ झुक जाए, सो वो एक प्रॉपर इंक्लाइन बेंच बन जाती है और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो इंक्लाइन बेंच प्रेस ऐसे। और बहुत ही मज़ा आने वाला ये सेट में, आप परफॉर्म करके देखना एक बार। जो बाबल्स की पोजीशन होगी वो हम लोगों के अपर चेस्ट पे होगी, और ये सेट से हम लोग अपने अपर चेस्ट के मसल्स को टारगेट करते हैं। और इसमें भी सेम 4 के सेट होंगे और 12 के रेपिटेशंस होंगे, और हर सेट में कुछ ना कुछ वेट इंक्रीज़ करें। एंड आवर नेक्स्ट सेट इज़ गोइंग टू बी अपवर्ड फ्लाई। तो ये सेट आप लोग किसी भी प्लेट से या फिर डंबल से परफॉर्म कर सकते हो, और इसमें वेट्स या फिर प्लेट ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा, लो वेट से इस सेट को परफॉर्म करना है। और ये हम लोगों के लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है, और प्लेट से डंबल जब भी आप लोग ऊपर लेके जाओ तो आई लेवल तक लेके जाना है, और जिस साइड से आप प्लेट्स को रीज कर रहे हो उस साइड के मसल को स्क्वीज करना है। और जैसे ही 12 के रेपिटेशन ख़त्म हो, उसके बाद आप लोगों को दोनों को एक साथ लिफ्ट करना है, और उसके आप लोग जितना मतलब मैक्स आप जा सकते हो उतना आप लोगों को रेप्स लगानी है। तो इसके बाद 4 सेट परफॉर्म करनी, और हर सेट 12 के रेपिटेशन होगी। 12 से कम नहीं करना, 12 से आप ज़्यादा चाहो तो कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट सेट जो है हम लोगों की वो होगी डंबल प्रेस। ये एकदम बेंच प्रेस के जैसा ही है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना है कि जब भी आप बेंच प्रेस करते हो तो उसमें बाबल्स रॉड चेस्ट तक ही आता है, उससे आप नीचे नहीं ला सकते। लेकिन आप जब डंबल प्रेस करते हो तो इसमें आपके आर्म्स नीचे आ जाते हैं, इससे आपका चेस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रेच होता है। इसके भी हम लोगों को 4 सेट करनी, और हर सेट 12 के रेपिटेशन होगी।
सो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो ये एकदम हम लोगों के इंक्लाइन बेंच प्रेस जैसा ही है, सेम टू सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम लोग डंबल से परफॉर्म कर रहे हैं, वो बारबेल से परफॉर्म करते हैं हम लोग। और ये भी हम लोगों के अपर चेस्ट को ट्रेन करता है। ये भी 4 सेट्स लगाने और 12 के रेपिटेशन। एंड आवर लास्ट सेट इज गोइंग टू बी पुल ओवर। तो ये बेसिकली हम लोग को लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है। इसके भी हम लोगों को 4 सेट्स करनी है और हर सेट 12 के रेपिटेशन पर। और जब भी प्लेट्स को नीचे लेके आए तो ये ध्यान रखें वो ज़्यादा ही नीचे ना जाए, वरना आपके अपर बैक पर क्रैम्प्स आ सकता है। तो जितना हो सके उतना ही नीचे लेके जाएं और वापस से चेस्ट लेवल तक लेके आना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं किस पार्ट्स में प्रॉब्लम है आप लोगों को।